चल यार चल उस बार चल दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं दरिया के पार निकलते हैं। इस बार की देखी जाएगी बले उस बार निकलते हैं। यार बबल बनाए जलता जा कोई गाए जाए जलता जा। सोने अभी तक खेल रहे तू चल बंद कर। किसे बंद करूं माँ जी? ओ ये खेल बंद कर, तुझे पढ़ना लिखना नहीं है कोयले? माँ जी सोना। कोई सोना वोना नहीं है, पढ़ना है तुझे और पढ़ लिख के ना बड़ा आदमी बनने अपने बाप की तरह। किसने उस्ताद तो कभी स्कूल गए ही नहीं। बदतमीज अपने बाप को जाहिल कहते हैं। मैं तो मामू साहब कहता हूँ। चुप कर। मामू। हाँ जी। तुमने मेरे बच्चे को कैसे मारा? ऐसे मारा मामू साहब। मामो तुम्हारी ये जुर्रत? कौन जुर्रत? मामो तुम हद से ज्यादा बढ़ती जा रही हो। अगर आइंदा तुमने मेरे बच्चे को मारा तो मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। हाँ? मैं तुमको छोड़ दूंगा। चल मेरे बच्चे सोने। मुझे नहीं सोना। ओ तू चल तो सही यार इधर आ। चलो इतनी सी तमजरीफी कर रहा है ये बुड्ढा है। माँ जी आप प्लीज चुप नहीं हो सकती, मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ। मैं तो चटाड़ी कुछ बोल रही हूँ। माँ जी आपको रोने और खाने के अलावा कोई काम आता है? क्या ना हुसर फैला रही हैं आप घर में। तूने मुझे मनूस कहा नाजिया? खूबसूरत। तूने मुझे खूबसूरत कहा? खूबसूरत मैंने अपने आप को कहा है माँ जी। अपने आप को खूबसूरत कहने से पहले तेरी जुबान क्यों नहीं कट गई? माँ जी चुप है। वो तो मैंने तुझ पे तरस खा के अपने बच्चे से तेरी शादी करा दी थी, वरना किसी ने तुझे मुंह नहीं लगाना था। मैंने आपके बेटे से शादी करके आप सब पे एहसान किया है। चल बढ़िया एहसान करने वाली दफा। मैं क्यों जाऊँ? आप जाए यहाँ से। हा? ये घर मेरे पापा के पैसों से चलता है, अगर ज्यादा मुझसे बदतमीजी की ना तो निकलवा दूंगी घर से। आहिस्ता बोलो यार मेरा बच्चा सो रहा है। फरीद फरीद। मेरा नाम महमूद है। हो महमूद, अनीला ने मेरी बड़ी बस्ती खराब की है। कौन अनीला? अदील की बीवी। अरे कौन अदील? हाय मेरा बच्चा हो। अरे तुम्हारा बच्चा तो ये है। लेकिन आप तो कह रहे थे कि ये आपका बच्चा है। अरे ये हम दोनों का बच्चा है यार। है तो फिर इसने इतनी बड़ी लड़की से शादी क्यों की है? अरे उसका नाम नबील है यार। उस लड़की का? उसका नाम खूबसूरत है। उसके शौहर का? उफ, अरे तुम्हारे बेटे का नाम नबील है और उसकी बीवी का नाम खूबसूरत है। नहीं किसकी बीवी का नाम खूबसूरत है? नबील की। हाँ खूबसूरत, उस खूबसूरत ने आज मेरी बड़ी बेइज्जती खराब की है मुश्ताक। तुम हो इसी काबिल। हाँ तुम्हारे साथ यही होना चाहिए था, अब इससे पहले कि मैं तुम्हारी बेइज्जती करूं और घर से निकालूं, चली जाओ यहाँ से। अगर रोना है ना तो बाहर जाके रो। गली में? नहीं लाउंज में। आहिस्ता रो मेरा बच्चा सो रहा है। मैं तंग आ गई हूँ तुम्हारी माँ से। मैं क्या करूं जानू? निकालो उन्हें नबील। कैसी बातें कर रही हो जानू, तुम्हें अंदाजा है माँ जी की कितनी फैन फॉलोइंग है? नबील उन्हें इस घर से निकालो। क्यों? उन्होंने मेरी बड़ी बेइज्जती की है नबील। क्या ये औरत झूठ बोल रही है जीशान? नबील। हाँ तो इसका नाम नबील है? ओ मेरा नाम नबील है माँ जी। हाँ पुत्र नबील, बेइज्जती इसने की है मेरी। खूबसूरत तुमने मेरी माँ की बेइज्जती की? शट अप नबील। ओके जानू, माँ जी आप क्या कह रही थी? इस औरत की वजह से ना मेरा मियाँ मुझसे दूर हो गया। खबरदार जो मुझ पे इल्जाम लगाया आपने। मैं इल्जाम नहीं लगा रही हूँ पुत्र, हामद ने ना मुझे घर से निकालने की धमकी दे दी है। क्या? हाँ ने मेरी माँ को धमकी दी है? हाँ दी है। महमूद साहब आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को धमकाने की? तुम चुप करो, तुम्हारी माँ मेरी बीवी है। बीवी है तो क्या मतलब, आप घर से निकाल लेंगे? और ये मत भूले कि मैं इनका बेटा हूँ। अरे तो मैं इसका शौहर हूँ, मैं इसे डांटू मारू पीटू जो मर्जी करूँ, तुम होते कौन हो बीच में बोलने वाले? मेरा ख्याल है माँ जी
ये आप दोनों का आपस का मामला है, आपस में ही तय कर ले। मैं चाय बनाने जा रहा हूँ। अब तुम ये करोगी? ये क्या? अरे तुम क्या समझते हो कि तुम अपने बच्चे से शिकायत करोगी तो मैं डर जाऊंगा? बोलो, आज के बाद अगर तुमने कोई ऐसी वैसी हरकत की या मेरी मर्जी के खिलाफ कोई बात की तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा, समझी तुम? जी हेलो, कौन? जुलेखा। कौन जुलेखा? हाय तू जुलेखा? मैं रजिया बोल रही हूँ। आप कौन? रजिया। आप भी रजिया बोल रही हैं? हाय तुमने ही तो कहा है कि तुम रजिया बोल रही हो, इसलिए मैं रजिया बोल रही हूँ। अरे भाई आप हैं कौन? मैं वो हूँ। वो कौन? वही जो बचपन में तेरे साथ खेलती थी, भूल गई है तू? अरे मुमताज। हाँ हाँ मैं मुमताज बोल रही हूँ। अरे तो तू रो क्यों रही है? मियाँ से कोई झगड़ा हो गया क्या? लेकिन मैंने तो तेरे मियाँ को देखा ही नहीं है। अरे मेरे नहीं, अपने मियाँ से। हाँ अब वो पहले जैसे नहीं रहे, पहले तो इतना ख्याल करते थे मेरा, अब तो उन्होंने बहू के सामने मेरी बेइज्जती की है। अरे मुमताज ये सारे मर्द ना एक जैसे होते हैं, मुझे देख। हाँ मैं कैसे देखूँ, तेरी तो तस्वीर ही नहीं नजर आ रही फोन पे। अरे मेरा मतलब है मैंने कैसे काबू किया अपने मियाँ को। कैसे? भोले बाबा के तावीज से। हाँ ने उनके घर से अलग करवाया, बुड्ढी को अपने घर से निकलवा दिया, अब तो सारा वक्त मेरे पैर दबाता रहता है। अच्छा मेरी मान तो तू भी अपने मियाँ को भोले बाबा का तावीज पिला दे, देखना सब ठीक हो जाएगा। कहाँ मिलेगा तावीज? अच्छा यूं कर, अच्छा ठीक है। बाबा से कहना शौहर को काबू में करने वाला तावीज दें, फिर देखना कमाल। विश्वशे मुझे याद आया मैं दुकान से दूध लेने गई थी। दूध कहाँ है? ये रहा पुड़िया में। तुम पुड़िया में दूध लाई हो? नहीं रक्षे में। क्या हो गया? मेरा दिमाग खराब हो गया है। आप फिक्र ना करें हमीद, मैं अभी चाय में ये पुड़िया मिला कर लाऊंगी ना तो आपका दिमाग ऐसा ठीक हो जाएगा बच्चू। यार नबील मैं तुम्हारी माँ से बेजार हो गया हूँ। मैं हूँ साहब। आप जो माँ जी से हो गए हैं वो बेजार है? वो बेजार नहीं, मैं बेजार हो गया हूँ। अच्छा यार नबील तुम कुछ करते क्यों नहीं हो? मैं मुसाब गेम खेल तो रहा हूँ यार। अरे अपनी माँ का क्यों नहीं कुछ करते यार? नहीं नहीं माँ जी ये गेम नहीं खेल पाएंगी, बहुत मुश्किल गेम है महमूद साहब। ये ले बाबा जी आपकी कॉफी। चाय? हाय आपने चाय पीनी थी? मैं समझी आपने कॉफी पीनी है। मोमो ये चाय ही है। हाय तो आपने कॉफी मंगवाई थी? अरे जाओ यार यहाँ से। ओ माँ जी आप मेरे लिए चाय नहीं लाई? नहीं ये चाय सिर्फ मेरे मियाँ पियेंगे समझे, वरना मैं इसमें थूक दूंगी। और जाओ यार यहाँ से, जाके खाना बनाओ। खाना बनाए माँ जी खाना। और नबील ये चाय आप तुम ही पी लो यार, मेरा मूड नहीं कर रहा। थैंक यू महमूद साहब, थैंक यू वेरी मच यार, मेरा बड़ा दिल कर रहा था चाय पीने को महमूद साहब। अब माफ कीजिएगा इधर कर। आपको पता चलेगा नबीद जब आप मेरे पैरों में बैठ के ना मेरी जूतियां धोएंगे। ये किससे बातें कर रही हो बाबू? कुछ नहीं मैं तो ना खुद कलामी की कफीयत में थी मबशर। महमूद नहीं मैं किसी महमूद से बात नहीं कर रही थी, बेशाका कसम उठवा ले। अरे मोमो तुम्हारा दिमाग क्या पहले कम खराब था जो खुद से बातें कर करके उसे और खराब कर रही हो? आप मुझसे ऐसे बात क्यों कर रहे हैं? आपने चाय पूरी नहीं पी क्या? अरे गोली मारो चाय को। हाय चाय तो आपके पेट में है, मैं
आपके पेट में गोली कैसे मारूं सलीम? अरे मोमो मैं थक गया हूं तुम्हें समझाते समझाते। देखो अगर तुमने मेरे साथ रहना तो इंसान बन के रहो, वरना लड़कियों की कोई कमी नहीं है मुझे, और वैसे भी मेरे बाल पूरे आ गए। नसीब मेरे वैरी हो या प्यार मेरा, अरे मैं रजिया बोल रही हूँ। ये तूने कैसा तवीज मेरे मियाँ को पुलवा दिया है मुझसे कि वो बचाए रोमांटिक होने के दूसरी शादी की धमकियाँ दे रहे मुझे लगी है। क्या? और क्या? अरे मुमताज रो मत, तावीज को असर करने में 1-2 घंटे लगते हैं, और 1-2 घंटे में तेरे मियाँ को कोई लड़की नहीं मिलने वाली है। हाँ तू बस थोड़ी देर और सबर कर, फिर देखना कैसे तेरी हाँ में हाँ मिलाता है। ये ठीक है। माँ जी आप किससे बातें कर रही हैं? फोन से? माँ जी कमाल हो गया है, 4 बज रहे हैं दोपहर के और आप बजाय खाना बनाने के फोन पे गप्पे मार रही हैं। चुप है। नबील क्या हुआ जानू? नबील मैं तुम्हारी माँ के साथ अब 1 मिनट गुजारा नहीं कर सकती। अब क्या हो गया जानू? उन्हें बात करने की तमीज नहीं है नबील, मैंने सिर्फ इतना पूछा कि दोपहर का खाना बनाया या नहीं। फिर क्या उल्टा मुझे कहने लगी? तुम्हें उन्होंने उल्टा कहा? सीधा सीधा मुझे कहा चुप है। उस खातून ने मेरी बीवी को चुपे कहा? उस खातून की ये जुर्रत? नबील उन्हें फौरन इस घर से निकालो। ठीक है जानू, जो तुम कहोगी वैसा ही होगा इस घर में। आओ मेरे साथ आओ। नबील मैं हूँ साहब, मेरी खूबसूरत बीवी माँ जी के साथ नहीं रह सकती, इसलिए मैंने फैसला किया है कि माँ जी को इस घर से बाहर जाना होगा। ओहो मुझे भी बता देती मैं भी कान पे हाथ रख लेता। कैसा बेटा है तू अजमल है। नबील के जैसा? माँ जी मैं इतना बेगैरत नहीं हूँ कि आप लोगों को घर से निकाल के कुछ करूँ ना, मुझसे जो हो सकेगा मैं करूँगा, 150-200 रुपया हर महीने भेजूंगा आपको। नबील मोमो इस उम्र में अकेली कहाँ जाएगी यार? आप इनके साथ जाएंगे महमूद साहब। जी हाँ, अब आप लोगों के लिए इस घर में कोई जगह नहीं है, चले अपना सामान पैक करें। सुन लिया आपने मेरी बीवी क्या कह रही है? आए तो भूल रहे जमशेद, माँ के पैरों के नीचे वो होती है जन्नत। हाँ जन्नत होती है। माँ जी मेरी जन्नत मेरी बीवी के पाँव के नीचे है। माँ जी सुबह जब मैं सो के उठूँ तो मुझे आपकी शक्ल नजर ना आए। हाँ तुम मुंह पर मोजे पहन लेना। हाँ तो फिर मैं पैरों में क्या पहनूंगी? जूते, और अच्छी किस्म के जूते पहनिएगा, पता नहीं यहाँ से निकल के आप लोगों को कहाँ कहाँ ख्वार होना पड़े। चलो नबील कमरे में। ओके जानू। हाँ, क्या हमारा सफर शुरू हो गया? हम इधर ही बैठ जाते पायदान पर सो जाते। अब हम कहाँ जाएंगे मोमो, हमारे पास तो कोई दूसरा ठिकाना भी नहीं है। ये सब आपकी वजह से हुआ है नीस। मैंने क्या किया है शकीला? इतने प्यार से अगर पहले आप मुझसे बात कर लेते ना तो आपके लिए तवीज भी नहीं लाना पड़ता, तो खाना भी वक्त पर तैयार हो जाता। कौन सा तावीज? वही जो मैंने आपको चाय में मिला के दिया था। वो किस चीज का तावीज था? शहर को गुलाम बनाने वाला तवीज। क्या? हाँ। अरे वो चाय तो नबील ने पी ली थी। अवश्य। अरे वो तो पहले ही बीवी का गुलाम था, अब पता नहीं क्या कर रहा होगा। बस भी करो नबील। नहीं जानू, मुझे कभी कभी तो मौका मिलता है तुम्हारी खिदमत करने का। नबील मुझे नींद आ रही है प्लीज। नहीं जानू, मैं उस वक्त तक दबाता रहूंगा जब तक तुम सो नहीं जाती, मुझे सुकून मिलता है जानू। प्लीज नबील। जानू प्लीज तुम सो जाओ, मुझे दबाने दो, मैं सुबह अच्छा सा नाश्ता बनाऊंगा तुम्हारे लिए। सो जाओ जानू। मोमो तुम रोना तो बंद करो। बोले तुम वो तावीज कहाँ से लाई थी? वो तो मैं मासूम बाबा से लाई थी। मासूम बाबा? हाँ, वो शक्ल से ना बड़े कोई क्यूट लगते, मैंने तो 2-3 बार उनके कल्ले भी खींचे थे। एक काम करते हैं। एक काम नहीं बाबा, बहुत सारे काम करते हैं। अरे हम एक काम करते हैं। हाँ तो कर ले। मोमो
हम उस बाबा के पास जाकर एक ऐसा तावीज लेकर आते हैं जिससे शौहरों को बीवियों से नफरत हो जाए। मैं आपको ऐसा कोई तावीज पीने नहीं दूंगी। अरे यार, हम वो तावीज नबील को पिलाएंगे। कौन नबील? तुम्हारा बच्चा यार। मेरा बच्चा तो सो रहा है, इसको कैसे पिलाएंगे? अरे इस वाले बच्चे को नहीं, बड़े वाले बच्चे को। मोमो चलो तावीज लेकर आते हैं और नबील को जूस में घोल कर पिलाते हैं और फौरन असर करने वाला तावीज लेकर आते हैं। जैसे ही नबील दरवाजा खोलेगा मैं उसे पकड़ लूंगा। दरवाजे को? अरे नहीं, नबील को। तुम मुंह में जूस डाल देना। आके? अरे नहीं, नबील के यार। अच्छा अच्छा रेडी। आप लोग गहरे भी तक क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? आप लोग पकड़े पकड़े। क्या पकड़े? वो कह रही थी कि तुम्हारे पाव पकड़ के माफी मांग ले। उसकी कोई जरूरत नहीं है महमूद साहब, मेरी बीवी ने जो कह दिया सो कह दिया, आप लोग जा सकते हैं। आखिरी बार हमसे मिल तो लेना। हाँ नबील। यार महमूद साहब ये क्या बदतमीजी है यार? अरे जूस मुंह में डालो, आप ही नहीं इसके मुंह में। हाँ पुत्र, माँ के हाथ से आखिरी बार जूस पीता जा। वो तो आप छोड़े मैं पिए जूस पी रहा हूँ यार। ये ले ये ले। इसमें क्या है यार? मजे के जूस, इसमें क्या मसला? वैसे वैसे मैं हूँ साहब। माँ जी आप लोग इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? बेटा तुझसे आखिरी बार ना मिलने आए। माँ जी क्या मैं मरने वाला हूँ? ना ना पुत्र, तेरी जोजा मोहतरमा ने ना हमें घर से निकाल दिया। क्या? हाँ नबील। खूबसूरत की ये जुरत, अभी बताता हूँ उसे। खूबसूरत उठा। नबील उठा। तुम्हारी जुरत कैसे हुई मेरी माँ और महमूद साहब को इस घर से निकालने की? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? दिमाग मेरा नहीं, तुम्हारा खराब हुआ है। वो मेरी माँ है, माँ जिसके पांव के नीचे जन्नत होती है। चलो उनसे माफी मांगो। शट अप नबील। यू शट अप। क्या? हाँ, इस घर से मेरी माँ नहीं तुम जाओगी। ये घर मेरे पापा का है नबील। देख लूंगा तुम्हारे पापा को भी। निकलो यहाँ से नबील। और अपनी बच्ची को भी साथ लेके जाओ। सो रही है नबील। तो उठाओ उसे, वैसे भी पूरे एपिसोड में सोती रही है। चलो चलो भी चलो, निकलो यहाँ से। वहां से तुम्हें टैक्सी मिल जाएगी नुक्कड़ से। नबील इस वक्त मैं कहाँ जाऊंगी? ये मेरा मसला नहीं है। माँ जी आप समझाए ना नबील को, ताकि मुझे घर से बाहर निकाल रहे। हाँ पुत्र माफ कर दे प्लीज बेचारी को। हाँ वो इस वक्त रात को कहाँ जाएगी अकेली? चले आप लोग भी सब साथ चले, निकले यहाँ से। और यार चले यार, मुझे इस घर में इसका कोई हमायती नहीं चाहिए, निकले। पुत्र हम तो मजाक कर रहे थे। लेकिन मैं अब सीरियस हूँ नबील। चले यार, चले यार, निकले। मोमो बाबा जी से जल्दी से कोई नया तावीज मंगवाओ। हाँ। क्या? चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं है। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल उस पार चल।